दोस्तों, डिस्प्ले स्क्रीन जैसे मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी को हम यूज करते हैं, लेकिन इसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में एक नाम प्लाज्मा डिस्प्ले भी है। तो आज आप ये वीडियो आगे लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम प्लाज्मा डिस्प्ले के बारे में ही बात करेंगे कि ये प्लाज्मा डिस्प्ले काम कैसे करता है और हम इसे कैसे यूज कर पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, मार्केट में आपको 32 इंच, 40 इंच, 42 इंच या इससे भी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन उनमें आज की डेट में ज्यादातर आपको एलसीडी या एलईडीज ही मिलती हैं। लेकिन कुछ पैनल्स प्लाज्मा पैनल भी होते हैं जो आपको कुछ टाइम पहले मिलते थे, जो सीआरटी मॉनिटर के बाद ही हमें मार्केट में देखने को मिले थे। तो आज स्पेशली हम प्लाज्मा डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे कि आखिर प्लाज्मा डिस्प्ले काम कैसे करता है। अब दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि शुरू शुरू में हम अपने कंप्यूटर के साथ डिस्प्ले के लिए मॉनिटर यूज करते थे, जो काफी वजनी और साइज में काफी मोटे भी होते थे। लेकिन जब प्लाज्मा, एलसीडी या एलईडीज आई तो आपने देखा कि साइज भी काफी स्लिम हो गया और उनका वजन भी काफी कम हो गया, जिसे हम कम स्पेस में भी आसानी से रख पाते थे। और अगर हम प्लाज्मा को कंपेयर करें मॉनिटर के साथ में, तो क्लैरिटी में भी हमें काफी अच्छी मिलती थी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट का नाम है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, जो पैनल को मिलने वाली पावर से चार्ज होकर सामने की तरफ आपको डिस्प्ले दिखाते हैं। और इसके अलावा इस डिस्प्ले को गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें दो मिरर टाइप ग्लास प्लेट लगी होती है, जिनके एजेस सील्ड होती है, और इन सील्ड ग्लास प्लेट्स में एक वर्टिकल कंडक्टर होता है और एक हॉरिजेंटल कंडक्टर होता है। और इन दोनों ग्लासेस को जब आपस में जोड़ा जाता है तो इसके अंदर दो गैसेस का मिक्सचर होता है, जिसमें से एक का नाम होता है नियोन और दूसरी गैस का नाम होता है ज़ीनॉन। तो यहाँ पर इन दोनों ग्लास प्लेट्स में वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंडक्टर को जब पावर मिलती है तो ब्राइटली सामने की तरफ डिस्प्ले शो हो जाता है। अब वहां पर जितने ज्यादा पीछे से वोल्टेज मिलेंगे, उतना ही ब्राइटली आपको सामने डिस्प्ले मिलेगा। अब इन वोल्टेजेस को फायरिंग वोल्टेजेस भी कहा जाता है। जितने ज्यादा फायरिंग वोल्टेजेस कंडक्टर को मिलेंगे, उतनी ही ज्यादा उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, और जितने कम वोल्टेज होंगे उतनी ही कम ब्राइटनेस आपको मिलेगी। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्लाज्मा डिस्प्ले को गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले भी बोला जाता है, तो इसमें जो नियोन और ज़ीनॉन गैस है, और अगर वो आयोनाइज भी हो रही है तभी उस ग्लास प्लेट्स में मौजूद हर एक पिक्सल ग्लो होगा, मतलब रोशन होगा, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंडक्टर्स को जो पीछे से करंट मिल रहा है, उसी करंट की वजह से उसमें मौजूद गैस आयोनाइज होगी और ग्लास प्लेट्स में जो पिक्सल हैं वो आगे ब्राइट होंगे। अब यहाँ पर एक बात और कि प्लाज्मा स्क्रीन में पिक्सल्स जो लगे होते हैं वो थोड़ा थोड़ा फासले पर लगे होते हैं, जिसकी वजह से क्लैरिटी आपको काफी अच्छी मिलती है। तो ये डिस्प्लेस काफी अच्छे हुए। लेकिन अगर एक मॉनिटर स्क्रीन या सीआरटी स्क्रीन के साथ इस प्लाज्मा डिस्प्ले को कंपेयर करें तो काफी कॉस्टली भी होता है। फिर यहाँ पर मॉनिटर के मुकाबले इसमें वोल्टेजेस कंजप्शन भी कम होती है। लेकिन साथ ही अगर हम प्लाज्मा डिस्प्ले के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये एक गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले है, तो अगर इसे थोड़ी सी भी ठोकर लग जाए तो इसकी गैस फौरन डिस्चार्ज हो जाएगी, जिससे आपको स्क्रीन पर एक ब्लैक सा धब्बा नजर आने लगता है। तो यहाँ पर इस डिस्प्ले के लिए आपको थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है कि सामने से कोई चोट या ठोकर वगैरह ना लगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप जान गए होंगे कि प्लाज्मा डिस्प्ले क्या है और प्लाज्मा स्क्रीन्स काम कैसे करती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।